चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर में बजट एलोकेशन हुआ है 9,138 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी मैं बोलने जा रहा हूँ जी, 2,122 करोड़ का सिर्फ बजट एलोकेशन हुआ था बिटवीन 2009 से लेके 14 के बीच में। बट एट दिस ईयर 2024 एक धमाका हम लोग के लिए है, जैसे तो स्वागत है दोस्तों रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फिर से और एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा अनोखा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज बजट एलोकेशन के बारे में ऑफ 2024। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि एज ए रेल फैन और एज ए पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज और एज ए पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इतना जो कि एक ह्यूज बजट एलोकेशन हुआ है रेलवेज में। और यही नहीं दोस्तों, इन सभी के साथ जो कि है बजट में 3 नए जो कि मेन रेलवे कॉरिडोर्स अप्रूव्ड हुए हैं, और ये जो कि नेम दिया गया है यानी नाम दिया गया है। तो इन सब के बारे में इन डिटेल में हम लोग जानेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम ज़रूर देखिए। और अगर यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो ये है इंटरिम बजट ऑफ 2024, या आप लोग बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवेज बजट एलोकेशन ऑफ 2024। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ द हैशटैग एज ए विकसित भारत बजट, तो इस हैशटैग को ज़रूर आप लोग यूज़ कर सकते हैं यदि अगर आप लोग कुछ शेयर करने वाले हैं बजट एलोकेशन के रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को, और साथ ही मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी को, क्योंकि इतना जो कि सुंदर बजट पेश करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग दिल्ली से। तो दिल्ली में कितना जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है तो हम लोग जानेंगे दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। तो अनप्रेसिडेंटेड बजट एलोकेशन आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दिल्ली में जो कि दिया गया है 2,577 करोड़, जी हाँ 2,577 करोड़ का जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है, और ये 27 जो कि 27 गुना जो कि अधिक है जो कि इस बार का बजट एलोकेशन हुआ है। तो पहले जो कि था 96 करोड़, उसके बाद जो कि है डायरेक्टली आ गया है 2,577 करोड़ का। तो ये जो कि 96 करोड़ का था, तो 2009 से लेके 14 के बीच में जो कि है एलोकेशन हुआ था उसका उसके बारे में दिया गया है। और अभी जो कि है एट 2024 इस साल पे 2,577 करोड़ का जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है दिल्ली में। और इसके बाद आते हैं 7,234 जो कि बजट एलोकेशन हुआ है झारखंड, जी हाँ तो झारखंड में 7,234 बजट एलोकेशन हुआ है। आज मोदी जी दे रहे हैं 7,234 करोड़ आज के बजट, 7,234 करोड़, 16 गुना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग के लिए अनप्रेसिडेंटेड बजट एलोकेशन है। और इसके बाद हम लोग आते हैं जो कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में 15,143 का जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो कि है 6,896 करोड़ का जो कि है छत्तीसगढ़ में बजट एलोकेशन हुआ है। एंड देन रेलवे बजट में जो कि बिहार कितना दिया गया है आप लोग देख सकते हैं पहली बार के लिए, बिहार में जो कि है रेलवे बजट में एक अनप्रेसिडेंटेड बजट एलोकेशन 10,032 करोड़ का जो कि है इस बार का बजट एलोकेशन हुआ है बिहार। उसके बाद आते हैं गुजरात पर, गुजरात में 8,587 करोड़ का जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है रेलवेज पर। और साथ ही ओडिशा पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं 10,536 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। एंड देन वेस्ट बंगाल पर 13,810 जो कि करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। आफ्टर दैट महाराष्ट्र, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, 15,554 करोड़ का जो कि है एलोकेशन हुआ है।
एंड देन केरला 2744 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी मैं बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट पर, नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग असम ऑल ओवर जो कि नॉर्थ ईस्ट है एंड ऑल्सो इन असम, कितना जो कि है एलोकेशन हुआ है, तो आप लोग इसको सुनने के लिए वीडियो के बीच तक जाना होगा। तो इस वीडियो को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एकदम लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो जैसे कि मैंने केरला में बोला 2744 करोड़ का एलोकेशन हुआ है बजट। एंड देन तमिलनाडु 6331 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है तमिलनाडु। एंड देन हिमाचल प्रदेश 2681 करोड़ का जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है एट हिमाचल प्रदेश। एंड ऑल्सो एट हरियाणा 2861 करोड़ का जो कि हरियाणा में बजट एलोकेशन हुआ है। और ये जो कि बजट एलोकेशन का जो कि अनाउंसमेंट है, तो आज ही दोस्तों हुआ है। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला, तो थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी को। तो इसके बाद आते हैं उत्तराखंड 5120 का जो कि बजट एलोकेशन हुआ है। जी हाँ, 5120 करोड़ का उत्तराखंड में बजट एलोकेशन हुआ है। एंड ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश यूपी पर 19575 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 3677 करोड़ का जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में बजट एलोकेशन हुआ है। एंड देन राजस्थान 9782 करोड़ एलोकेशन हुआ है एट राजस्थान। एंड ऑल्सो एट कर्नाटका 7524 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। 7524 करोड़। उसके बाद आते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना पर 5071 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। 5071 करोड़ का जो कि है बजट एलोकेशन हुआ है। उसके बाद 9138 करोड़ का एट आंध्र प्रदेश बजट एलोकेशन हुआ है। जी हाँ, एट आंध्र प्रदेश 9138 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। उसके बाद आते हैं पंजाब, तो पंजाब पर दोस्तों एलोकेशन हुआ है 4933 करोड़ का बजट एलोकेशन। 4933 करोड़ का बजट एलोकेशन। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है चैनल का नाम ही है रेल फैंस असम, तो इसीलिए हम लोग को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साथ ही जो कि असम पर कितना बजट एलोकेशन हुआ है, तो मैं आपको पेश करता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है 10,369 करोड़ का बजट एलोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट 10,369 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है इंडियन रेलवे के तरफ से, यानी रेलवेज में इस बार बजट एलोकेशन हुआ है एट नॉर्थ ईस्ट 10,369 करोड़ का। तो इसका जो कि अगर पहले का अगर पास्ट में देखने जाऊं, तो पास्ट में आप लोग देख सकते हैं, तो 2009 से लेकर 14 के बीच में एलोकेशन हुआ था 2,122 करोड़ का सिर्फ बजट एलोकेशन हुआ था। जी हाँ, 2,122 करोड़ का सिर्फ बजट एलोकेशन हुआ था बिटवीन 2009 से लेकर 14 के बीच में। बट एट दिस ईयर 2024 एक धमाका हम लोग के लिए है, जैसे कि 10,369 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है, यानी इसका यह मतलब है कि हम लोग पीछे नहीं है दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा अभी आगे निकलने वाले हैं इन केस ऑफ रेलवे नेटवर्क या इन केस ऑफ न्यू रेलवे लाइंस, इन केस ऑफ न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो बहुत जो कि है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो हम लोग देखेंगे और जो कि आने वाले टाइम में और नई नई हम लोग को ट्रेन्स हो या जो कि स्टेशंस वगैरह हो, अच्छे अच्छे जो कि पैसेंजर एम्यूनिटीज वॉर्क वगैरह है स्टेशंस पर, हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यही आशा करते हैं दोस्तों। तो थैंक्स टू अगेन श्री नरेंद्र मोदी जी आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यही है जो कि है बजट एलोकेशंस का जो कि टोटल लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ पेश किया, आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। तो इसके बाद जो कि मोदी जी का क्या कहना है, आप लोग थोड़े जो कि है क्लिप्स वगैरह देख लीजिए, क्योंकि
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस, जी हाँ, जिसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18 के नाम से, जी हाँ, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भी कुछ मोदी जी ने बोला है इस बजट में जो की है। वंदे भारत ट्रेन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इस बजट में पेश किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों मोदी जी का क्या कहना है, आप लोग सुन लीजिए। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बजट एलोकेशंस के बारे में बोल ही दिया आप लोगों को, और उसके बाद अभी आते हैं जो कि तीन नई मेन जो कि रेलवे कॉरिडोर्स का अप्रूव्ड हुआ है बजट में, जी हाँ, तो इन तीनों के बारे में भी आप लोग सुन लीजिए, इन तीन कॉरिडोर्स के बारे में। और दोस्तों ये जो कि तीन नए कॉरिडोर्स है, तो इनको जो कि नाम दिया गया है एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर एंड ऑल्सो अमृत चतुर्भुज के नाम से जो कि है, इन जो कि नए तीन रेलवे कॉरिडोर को नाम दिया गया है। तो आप लोग अश्विनी वैष्णव जी का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए दोस्तों। इस बजट में तीन बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है, यहाँ जहाँ पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहाँ पे चार लाइन करी जाएगी, जहाँ चार लाइन है उसमें छः लाइन करी जाएगी, जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। ओवरऑल इन तीनों कॉरिडोर्स के माध्यम से 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाएंगे आगामी वर्षों में। 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मतलब हुआ पूरे जर्मनी का जो नेटवर्क है उतना नेटवर्क भारत में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अच्छे से अच्छे कमेंट्स, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट्स, ऐसे ही जो कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं लाता रहूंगा। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।